हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र दागड़, स्वागत करता हूँ फ्लाई एकेडमी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गण के बारे में। जी हाँ, संस्कृत में गण को क्या कहते हैं? धातुओं। गण को क्या कहते हैं आपका? धातुओं का विभाग कहते हैं। बेसिकली गण को कहा जाता है धातुओं का विभाग। तो गण जो आपका होता है वो धातुओं का विभाग होता है। और ये इसमें आपको बता दूं कि संस्कृत में टोटल 10 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? टोटल 10, जिसमें लगभग 2000 धातु होती हैं। आपको बता दूं कि संस्कृत में लगभग 2000 धातु होती हैं। लगभग 2000 मतलब वैसे 1970 टोटल धातुएं होती हैं, लेकिन लगभग 2000 कहा जाता है इनको, क्योंकि 1970 लगभग 2000 के लगभग होता है। तो टोटल 10 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 10 गण होते हैं, 2000 धातु होती हैं। तो चलिए हम इनको विस्तार पूर्वक समझेंगे कि टोटल कौन कौन से गण होते हैं और उनकी हम 2000 धातु के बारे में देखो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ जो जरूरी और आईएमपी धातुएं हैं जिनको हम जानते हैं, समझना चाहिए, हम उन धातुओं के बारे में पूरा समझेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारे गण से। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मैं टेबल बना लेता हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा राइटिंग ऊपर नीचे आएगा तो गाइस ज़्यादा वो मैटर नहीं है ये चीज़, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप समझने लायक तो मैं लिख ही रहा हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरफ हम लिखेंगे गण लिखेंगे और इस तरफ हम लिखेंगे धातुएं। धातुएं मतलब बेसिकली इसमें कितनी धातु थी मैं ये लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहला वाला जो होता है आपका होता है भयादिगण। भयादिगण क्या होता है आपका? भयादिगण, इसमें आपकी टोटल सबसे ज़्यादा 1035 धातु होती हैं। कितनी होती हैं? 1035। दूसरा आपका होता है अदादिगण। क्या होता है आपका दूसरा? अदादिगण। अदादिगण जो आपका होता है इसमें आपकी 72 धातुएं होती हैं गाइस। इसके बाद आपका आता है ज्योहोदित्या। ज्योहोदित्यादिगण, ज्योहोदित्यादिगण, ज्योहोदित्यादिगण में टोटल आपकी 24 धातुएं होती हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट आपका होता है देवादिगण। देवादिगण, देवादिगण में टोटल आपकी 140 धातुएं होती हैं। और इसके बाद आपका होता है स्वादिगण। स्वादिगण में आपकी लगभग 35 धातु होती हैं। और इसके बाद आपका आता है तुदादिगण। ये इस गण में आपकी टोटल 157 धातुएं होती हैं, 157 धातुएं होती हैं। उसी प्रकार से मैं यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट, इधर थोड़ा सा। अब ये नेक्स्ट जो है इसमें आपका ये होता है रुधादिगण। रुधादिगण में टोटल आपकी जो धातुएं होती हैं वो 25 धातु होती हैं। कितनी धातु होती हैं? 25। फिर इसके बाद आपका आता है तनादिगण। तनादिगण में आपका टोटल जो धातुएं होती हैं वो 10 धातु होती हैं। और इसके बाद आपका जो है क्रयादिगण। क्या होता है गाइस? क्रया, ये आधा का है। क्रयादिगण, क्रयादिगण धातु जो आपकी होती हैं वो बेसिकली आपकी 61 धातु होती हैं। और इसके बाद आपका एक और है चुरादिगण। चुरादिगण में आपकी जो टोटल धातु होती हैं वो 411 होती हैं। तो गाइस आपने देखा कि भवयादिगण में जो टोटल आपकी जो धातुएं होती हैं वो आपकी 1035 सबसे ज़्यादा इसमें होती हैं। फिर इसके बाद जो सेकेंडरी है वो चुरादिगण है, जिसमें 411 होती हैं। तो गाइस अब हम धीरे धीरे से, यानी कि हम पहले एक एक गण को उठाते हैं और एक एक गण जितनी भी हमारी आईएमपी जो धातुएं हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम देखो नेक्स्ट पे आते हैं। और नेक्स्ट जो आपका है हमारे पास कौन सा गण हैगा आपका? भवादिगण। भवादिगण, अब इस गण में टोटल जो हमारे लिए आई एम पी धातु और क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता, देखो जितने भी गण है ना टोटल 10 के 10, इनका जो गण कहाँ से चालू, इसका नाम भवादिगण क्यों? क्योंकि बेसिकली इनकी जो पहली धातु है भवादिगण की वो भू है, मतलब जिसकी जो पहली धातु होती है ना वही उनके उस नाम से होती है। तो भवादिगण की भू धातु, इसलिए इसका भवादिगण है। तो भू यानी क्या होता है? होना।
दूसरा आपका हस होता है, इसमें हस का मतलब क्या होता है, हस का मतलब होता है आपका हंसना। और क्या है आपका पठ, पठ मतलब क्या होता है आपका, पठ मतलब होता है पढ़ना। देखो मेरा उद्देश्य इसको पढ़ाना ये है कि इससे आपको धातुएं भी याद हो जाएंगी, कितनी धातु होती हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, और साथ में आपको गढ़ के बारे में भी पता चल जाएगा। और इसके बाद रक्ष धातु होती है, इसका मतलब क्या होता है, रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना। इसके बाद आपका पच, पच मतलब होता है आपका पकाना, ठीक है गाइस। इसके बाद है आपका नम, नम मतलब आपका होता है झुकना या नमस्कार करना, झुकना बेसिकली यूज करते हैं नम, नम के लिए, ठीक है ना। इसके बाद गम, गम का मतलब आपको पता ही है, गम का मतलब होता है जाना, गम गच जाना। इसके पहले मैंने वीडियो बनाए हुए हैं इनका जो परिवर्तित रूप के बारे में, वो भी आप देख सकें। दृश्य मतलब होता है देखना, दृश्य पश्य देखना। और इसके बाद होता है सद, सद मतलब होता है बैठना। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 1035 धातु नहीं बताने वाला हूं, मैं सिर्फ जो आईएमपी हैं और जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। स्थमिस होता है रुकना, ठीक है। और इसके बाद पा, पामिस होता है पीना। घ्रा, घ्रामिस होता है आपका सूंघना, सूंघना, ग्रामीण सूंघना। और स्मरण का मतलब होता है स्मरण करना, क्या करना, स्मरण करना, ठीक है। और जी का मतलब होता है आपका, जी का मतलब होता है जीतना, जी का मतलब क्या होता है, जीतना। और श्रु, श्रु का मतलब क्या होता है, श्रु का मतलब होता है सुनना। और बस, बस का मतलब होता है वस, मतलब रहना, बसन करना, बास करना। सेव का मतलब होता है आपका सेवा करना, क्या होता है, सेवा करना। गाइस थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी ध्यान रखना कि थोड़ी राइटिंग मेरी थोड़ी सी वैसी प्रॉब्लम है, तो गाइस प्लीज़ राइटिंग को नहीं, भावनाओं को समझें और धातुओं को समझें। लव मतलब होता है पाना, लव का मतलब होता है पाना। और यहाँ पर वृद्ध, वृद्ध का मतलब हो जाए, वृद्ध मतलब बूढ़ा नहीं होता है, वृद्ध का मतलब होता है बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना। और इसके बाद ये है मुद, मुद मीन्स क्या होता है, प्रसन्न होना, मुद मीन्स होता है प्रसन्न होना। ये सब भवादिगढ़ की बात कर रहे हैं। और सह मतलब किसी चीज़ को सहना, मतलब सह मीन्स सहना, ठीक है। और इसके बाद सहन करना, सहना सहन करना। याच, याच का मतलब होता है मांगना, याच मतलब मांगना, मांगना। और नी, नी मतलब होता है ले जाना। तो गाइस ये भवादी गण की जो आईएमपी जो है, मतलब बेसिकली जो यूज़ होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि भवादी गण में ये धातु यूज़ होती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट गण पे आते हैं जिसका नाम है अदादी गण। चलिए अब हम अदादी गण पे जाते हैं। अदादी गण, अदादी गण क्या आएगा जरा देख लेते हैं। ये लिखा है अदादी गण, अदादी गण में आपका देखो ये मैंने आपको बता दे, कोई भी जो गण होता है उसकी जो नाम ही है उसकी पहली धातु से होता है। तो इस धातु, तो पहली धातु आपकी क्या है, अध है। क्या है पहली धातु आपकी, अध। अध का मतलब क्या होता है, खाना होता है। अध का मतलब होता है खाना, ठीक है ना। दूसरी धातु है अस, अस का मतलब होता है होना, क्या होता है, इसका मतलब होना। ब्रू, ब्रू मीन्स क्या होता है, कहना। ब्रू मीन्स क्या होता है, कहना। ब्रू मीन्स कहना। दू, दू मतलब आप समझते हैं धोना, दूध धोना जो होता है, ठीक है ना। इसके बाद रुद्ध, रुद्ध धातु का मतलब क्या, तो रुद्ध मतलब आपको पता ही है रोना, रोदन करना, रोना। और स्वप, स्वप का मतलब क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है सोना, स्वप मतलब सोना। हन, हन का मतलब होता है मारना, हन का मतलब क्या होता है गाइस, मारना। और ई, ई अकेला, ई मतलब होता है आपका जाना, ई का मतलब क्या होता है, जाना। और आस मतलब क्या होता है, आस, आसन, तो ये होता है इसका मतलब बैठना, ठीक है गाइस।
आस मतलब बैठना, और शी, और शी इसका मतलब भी होता है सोना। इसके अलावा और भी धातु होती हैं, और लेकिन इसकी जो अदादि गण है इसकी बेसिकली खास तौर पर कहा जाए तो यही धातु होती हैं। तो गाइज ये आपका अदादि गण भी हो गया। अब इसके बाद दूसरे गण पे हम आते हैं, दूसरा गण हमारा जिस पे हम आएंगे दूसरे गण पे, तो ये है आपका कौन सा गण है हमारा दूसरा, जो है आपका जुहोत्यादि गण। ठीक है गाइस, जुहोत्यादि गण। अब इसमें जो सबसे पहली हु जो हो, तो हु मतलब होता है आपका हवन करना। हु मतलब क्या होता है, हवन करना। हु मतलब हवन करना। इसके बाद भी मतलब होता है डरना। क्या होता है भी मतलब डरना। इसके बाद दा मतलब तो आप जानते हैं, दा यक्ष देना। धामिस होता है धारण करना आदि। तो गाइज यही आपका इसमें यही है इतनी इसकी। तो अब नेक्स्ट हमारा गण है, नेक्स्ट गण पे आते हैं जिसका नाम है देवादि गण। कौन सा गण है जिसका नाम देवादि गण है गाइज, तो हम देखेंगे देवादिगण। तो गाइज ये देवादिगण है। देवादिगण की प्रमुख धातु सबसे पहली तो देवी आएगी, देव धातु। देव का मतलब क्या होता है, देव का मतलब होता है चमकना। देव का मतलब क्या होता है, चमकना। फिर इसमें दूसरी धातु है वो है नृत्य। क्या धातु है, नृत्य। नृत्य गाइज, नृत्य का मतलब होता है नृत्य मतलब होता है आपका नाचना। नृत्य का मतलब होता है नाचना। इसके बाद आपका होता है नश। नश मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, नश का मतलब होता है नष्ट करना। नश का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। और इसके बाद है आपका भ्रम। भ्रम मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना, घूमना। ठीक है गाइस, युद्ध। अब जानते हैं आप युद्ध क्या होता है, युद्ध मतलब तो आपका लड़ना होता है। युद्ध, युद्ध मीन्स क्या होगा आपका, लड़ना। जनना किसी चीज को, जनना मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना। जनना मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना। तो गाइस ये आपके देवादि गण की प्रमुख जो धातु थी। अब हम दूसरे गण पर आते हैं जो है हमारा स्वादि गण। कौन सा गण है, स्वादि गण। नया पेज लेते हैं, स्वादि गण पे आते हैं। स्वादि गण, स्वादि गण में आपका जो आईएमपी है इसका नाम ही है। सबसे पहले आपका सु मतलब होता है स्नान करना या रस निकालना। देखो स्नान करना या आपका जो होता है इसका मतलब है रस निकालना, रस निकालना। ठीक है गाइस, इसके बाद इसकी जो आप, दूसरी आप मतलब होता है बेसिकली पाना। आप मतलब क्या होता है, पाना। और इसके बाद तीसरी धातु होती शक, इसका मतलब होता है सकना। कोई कैन मतलब होता है ना, कैन या मैं सकना। तो ये तीन स्वादि गण में होती हैं गाइस, आईएमपी धातु हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट गण पे। नेक्स्ट गण जो हमारा स्वादि गण के बाद तुदादि गण है। कौन सा गण है गाइस, तुदादि गण। अब ये तुदादि गण जो होता है इसमें कौन कौन सी धातु है, तो सबसे पहली धातु तो आपकी कौन सी होगी, सबसे पहली धातु तो आपकी तुद होगी। तुद जो इसका नाम है, तुद धातु, इसका मतलब होता है दुख देना। क्या होता है, दुख देना। तुदादि का मतलब होता है दुख देना। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है ईश। ईश मतलब होता है चाहना। क्या होता है, ईश का मतलब चाहना। अब इसके बाद होता है स्पर्श। स्पर्श तो आप जानते ही, स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। और प्रच्छ का मतलब तो आप जानते ही, प्रच्छ का मतलब होता है बेसिकली पूछना।
प्रच का मतलब होता है पूछना, क्या होता है पूछना, या लिख, लिख का मतलब तो आप जानते हैं, लिख का मतलब होता है लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ये होता है लिखना। और मृय, मृय का मतलब होता है मरना, मृय का मतलब क्या होता है मरना। और यहाँ पर आ जाएगा मुच, मुच का मतलब होता है माँ है ना, मुच, मुच का मतलब होता है छोड़ना, मुच का मतलब क्या हो जाएगा छोड़ना। तो गाइज ये आपकी तुदादी गण की आईएमपी कह सकते हैं या ज़रूरी धातु उनके बारे में बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और नेक्स्ट गण को लिखते हैं जिसका नाम है रुदादी गण। कौन सा गण है भैया? रुधादी गण, रुधादी गण। तो गाइज रुधादी गण की प्रमुख, सबसे पहले तो जिसका जो नाम है वो ही रहेगा जिसका नाम है रुद्ध। रुद्ध का मतलब होता है, देखो रुद्ध का मतलब बेसिकली यहाँ पर रोना नहीं है, वो रुद्ध था। रुद्ध का मतलब होता है यहाँ पे ढकना, क्या होता है ढकना, या फिर होता है रोकना, ठीक है ये होता है इसका मतलब। अब हो जाता है भुज, भुज का मतलब क्या होता है, भुज का मतलब होता है पालन, सबसे पहले भुज का मतलब होता है भोजन करना, भुज का मतलब होता है भोजन करना, या हम कह सकते हैं पालन करना, क्या होता है पालन करना, ठीक है ना। भुज और आपका हो गया रुद्ध, या ये दोनों आपकी, बस इसमें दोनों ही धातु होती हैं। और इसके बाद आपका जो आता है तनादि गण आता है, वो मैं यहीं लिख देता हूँ तनादि गण, क्योंकि गाइस इनमें कम कम धातुएं हैं जो हमारे काम के, इसलिए कमी है। तनादि गण में सबसे पहले तो इसका जो नाम है तो वो ही आएगा जो है तन, तन मतलब होता है गाइस फैलाना, क्या होता है गाइस फैलाना, तन मतलब हो गया फैलाना। और इसमें एक क्रय, क्रय मीन्स होता है करना, तन मतलब होता है फैलाना और क्रय मीन्स क्या होता है करना, ठीक है ये हो गई आपका। अब आगे दूसरे उस पर आते हैं, दूसरे उस पर है आपका क्रियादि गण। कौन सा गण है आपका? क्रियादि गण, क्रियादि गण जो आपका है, क्रियादि गण में आपकी जो धातु है उसका मतलब, पहले तो पहली धातु आई इसका नाम है क्री, क्री का मतलब होता है मूल लेना, क्या होता है कोई चीज़ कि तुमने मुझसे पंगा मूल ले लिया है, या ग्रह, ग्रह मीस होता है पकड़ना, ग्रह मीस क्या होता है पकड़ना, या फिर ज्ञा, ज्ञा मीस क्या होता है जानना, ठीक है ये आपकी हो गई क्रियादि गण वाली धातु हो गई है। अब इसके बाद जो आखिरी है आपका, आखिरी जो है वो कौन सा गण होता है, वो आपका होता है चुरादि गण, और जिसमें सबसे ज़्यादा धातु है थी सेकंड नंबर है, पहला तो आपका ब्यादि, आपका भूयादि गण है, और दूसरा लास्ट जो आपका है वो चुरादि गण है। अब ये चुरादि गण में जो है वो सबसे ज़्यादा जो धातु है थी सेकंड, तो इसकी पहले धातु तो चुरी होगी क्योंकि चुरादि गण है, तो चुरमीस होता है आपका चुराना, चुरमीस क्या होता है चुराना। और चिंत, सेकंड धातु कौन सी है, चिंत, चिंत मतलब होता है यहाँ पर सोचना, चिंत मीन्स क्या होता है सोचना। और कथ, कथ मीन्स होता है कहना, कथ मीन्स क्या होता है गाइस कहना, कथ मीन्स कहना। और भच मीन्स होता है खाना, ठीक है गाइस। तो ये इसकी चुरादि गण की जो आईएमपी धातु थी। तो इसी तरीके से आप देखेंगे धातुओं का अपना अपना विभाग है, वो 10 तरह के विभागों में बटी हुई है और सभी गण में बटी हुई, जो गण का नाम है वही पहली धातु के नाम के अनुसार उन गण के नाम रखे हैं। तो हर एक धातु किसी ना किसी गण के जरूर अंतर्गत आती है। तो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है। और ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। वीडियो का अंत देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।